तो गाइस क्या एमसी स्टैन का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड करी जहां पे उन्होंने पहली स्टोरी में ये लिखा ब्रेकअप, फिर उन्होंने दूसरी स्टोरी अपलोड करी जहां पे उन्होंने ये लिखा हैप्पी सिंगल गुड फॉर यू बेटर फॉर मी, फिर उन्होंने एक और स्टोरी अपलोड करी जहां पे उन्होंने लिखा दी एंड, और इससे पहले वाली जो दो स्टोरीज थी वो डिलीट कर दी। तो काफी लोग यही बोलने लगे कि एमसी स्टैन का ब्रेकअप हो गया इसी वजह से उन्होंने ये स्टोरीज अपलोड करी है, पर हो सकता है मे बी उनका न्यू सॉन्ग आने वाला हो और उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो गाइस आप मुझे कॉमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, क्या सच में एमसी स्टैन का ब्रेकअप हो गया है। तो गाइस अगली जो न्यूज है वो है आशीष चंचलानी के बारे में, तो काफी लोग उनसे यही पूछ रहे हैं कि आपका न्यू वीडियो कब आने वाला है। तो अभी उन्होंने अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड एक अपडेट दिया इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, जहां पे उन्होंने बताया कि उनका जो न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है और वो कहां पे रिलीज होगा। इस चीज को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया है, आप आगे वीडियो में देखो। ऐसा होगा, क्या होगा, एपिक होगा, हिट होगा, फ्लॉप होगा, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं मेहनत करूं, मेरी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। इतनी मेहनत करेंगे ना भाई तुम लोग, विल फील प्राउड, आई कांट से एनीथिंग एल्स। बाकी भाई लोग तुमको मालूम है आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, फुल सपोर्ट, और कुछ ना मैंने मांगा है ना मुझे चाहिए आप लोगों से, बस आए तो सपोर्ट कर लेना। काफ़ी गलतियाँ की है लाइफ में मैंने, उन गलतियों से सीखा हूँ, सीख सीख के ही बड़ा हुआ हूँ। शायद ये जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट, ये एक अवेकनिंग है एंड ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये प्रोजेक्ट इज़ यू गाइज आर द रीज़न दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ हैपनिंग, ओके। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा, नो स्पॉइलर, सीधा वीडियो देखना।